हेलो गॉड्सविन, गॉड्सविन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, स्वप्न में नागदेव यानी कोबरा देखने का मीनिंग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। यदि सपने में आप देखते हैं कि काले नाग ने आपको काटा है और वो भी दाएं हाथ के अंगूठे में काटा है, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है इस बात का कि आप वर्तमान में जिस समस्या से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, भगवान शिव की कृपा से वो समस्या अब समाप्त होने वाली है। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आपको समस्याओं ने घेर लिया है, वो प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त होकर अब आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आ रही हैं। और आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां चाहे बाहरी वातावरण में हो या फिर आपके अंदर अपने मन बुद्धि के नकारात्मक विचारों के कारण ही क्यों ना हो, यदि आपके विचार भी नकारात्मक निराशाजनक हैं, तो वो भी अब खत्म होने ही वाले हैं। ऐसा संकेत मिलता है स्वप्न में नागदेव को अपने दाएं हाथ के अंगूठे में काटते हुए देखने से। इसके अलावा भी नागदेव शरीर के किसी भी अंग पर काटे, वो सर्वदा शुभ स्वप्न ही होता है। कुछ अन्य प्रकार के स्वप्नों में यदि आप देखते हैं कि कोई साधारण सांप मींस कोबरा के अलावा किसी अन्य प्रकार का सांप आपकी ओर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो ये संकेत है कि निकट भविष्य में आपका सामना किसी प्रकार की समस्या से होने वाला है। आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप स्वप्न में ये देखते हैं कि कोबरा के अलावा कोई अन्य सांप आपकी ओर आ तो रहा है, लेकिन आप उसे या तो मार दे रहे हैं या भगा दे रहे हैं या किसी और प्रकार की परिस्थिति में, बहरहाल आप उससे जीत जाते हैं और वो आपसे हार जाता है, तो ये स्वप्न आपको शुभ संकेत देता है कि आपके जीवन में जो समस्या आने वाली थी, जो इनामीज आपकी लाइफ में इंटर करने वाले थे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आप उन्हें मात देने में कामयाब हो जाएंगे। आप में इतना पावर है कि समस्या और शत्रु कैसे भी हो, आप उसे अच्छे से निपटा ही देंगे। नागदेव के स्वप्न के संबंध में एक और बात नोटिसेबल ये है कि जब वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली की ग्रह दशा के अनुसार व्यक्ति पर शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो, यानी ग्रह गोचर के अनुसार व्यक्ति शनि देव की ढैया या साढ़े साथी से गुजर रहा हो, तब उस पूरे टाइम पीरियड में सांपों के सपने आते रहते हैं। सांपों के ये स्वप्न ढैया या साढ़े साथी से गुजरने वाले व्यक्ति को संकेत देते हैं कि आपके जीवन में ये समय चल रहा है आपके संचित भले बुरे प्रारब्धों को चुकाने का। शनि की दशा में सांपों के ये स्वप्न बताते हैं इस मुश्किलों भरे समय में आपके प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे और इस संघर्षमयी समय के गुजरने के बाद आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा जो आपके आगे का जीवन रोशन कर देगा। आपके जीवन में समस्याएं आने का संकेत सांपों के वही स्वप्न देते हैं जिनमें साधारण सांप दिखे हों और जो सुंदर भी ना हो और आपकी ओर आक्रामक होकर आ रहे हों। ऐसे स्वप्न समस्या का संकेत देते हैं। किंतु यदि आप कोबरा के अलावा हरे रंग का, सफेद रंग का, फन वाला, सुंदर, भव्य, आकर्षक सांप सपने में देखते हैं, तो फिर ये संकेत होता है कि आप पे ईश्वर की विशेष कृपा है। आप धरती पर ईश्वर के कार्यों में सहयोग करने के लिए, उसकी सृष्टि की सुरक्षा और प्यार बांटने के लिए धरती पर आए हो। आपकी आत्मा एक दिव्य आत्मा है। आप ईश्वर के बहुत करीब हो और ईश्वर ने आपको धरती पर सिर्फ प्रारब्ध मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ भेजा है। सांपों के स्वप्न ट्विन फ्लेम्स को बहुत अधिक आते हैं और जब फेमिनिन एनर्जी को ड्रीम में नागदेव अपनी केचुली उतारते हुए दिखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि अब फेमिनिन एनर्जी की तपस्या के फल स्वरूप मैस्कुलिन एनर्जी भी धरती पे अपने अवतरण के उद्देश्य को पहचानने की राह में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैस्कुलिन एनर्जी भी फेमिनिन एनर्जी से अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस करने लगी है, अवेकनिंग हो रही है। अतः नागदेव का स्वप्न भी मोर के स्वप्न की तरह एक विशेष स्वप्न होता है जो विशेष आत्मा को ही आते हैं। यदि आपको ऐसे स्वप्न आते हैं, तो आप वो विशेष आत्मा हैं जो ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण।